नमस्कार। टुडेज की एक और प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक उभरती हुई खबर की, एक ब्रेकिंग न्यूज की। भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ओम प्रकाश रावत, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आज कुछ देर पहले हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री ओपी रावत ने कहा कि आज से ही चारों राज्यों में चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। सभी राज्यों के चुनाव के नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे। इसे लेकर चुनाव आयोग की तैयारी पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग के अनुसार छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होगा। नक्सल प्रभावित दक्षिणी छत्तीसगढ़ की 18 विधानसभा सीटों पर चुनाव का नोटिफिकेशन 16 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। यहां नामांकन की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर तय की गई है और मतदान 12 नवंबर को होगा। वहीं दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की बाकी 72 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ चुनाव के दूसरे चरण में नोटिफिकेशन की तारीख 26 अक्टूबर है और नामांकन की आखिरी तारीख है 2 नवंबर। मतदान और गणना के संबंध में चुनाव आयुक्त श्री ओपी रावत ने कहा कि छत्तीसगढ़ को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में एक ही चरण में चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और मिजोरम में एक साथ चुनाव होगा। दोनों राज्यों में चुनाव का नोटिफिकेशन 2 नवंबर को जारी किया जाएगा और यहां नामांकन की आखिरी तारीख होगी 9 नवंबर, जबकि मतदान 28 नवंबर को होगा। इसके बाद राजस्थान और तेलंगाना का चुनाव एक साथ आयोजित होगा। दोनों राज्यों में 7 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार 11 दिसंबर को सभी राज्यों में एक साथ मतों की गणना होगी। किसी राज्य में कितनी सीटें हैं ये आपको अब हम बताएं। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें, मध्य प्रदेश में 230 सीटें, राजस्थान में 200 सीटें, मिजोरम में 40 सीट। अटकलों का जवाब देते समय चुनाव आयुक्त द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा जो पहले शनिवार दोपहर 12 बजे की जानी थी उसे बढ़ाकर के कर दिया गया था 3 बजे का, लेकिन उसी में जो है एक ऐसा माहौल बन गया कि कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान रैली को ध्यान में रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त बढ़ाया है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में इसका भी जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, कुछ नेता और राजनीतिक दल हर अवसर में राजनीति तलाशते हैं, ये गुण उनके पात्र में निहित है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी की असल वजह तमिलनाडु, कर्नाटका और तेलंगाना के उपचुनाव हैं जिन्हें लेकर काफी खींचातानी की गई है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि कर्नाटका के बेल्लारी, शिमोगा और मांड्या में 3 नवंबर को उपचुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि इस बार एक विधानसभा में किसी भी एक मतदान केंद्र पर VPAT मशीन लगी होगी। साथ ही दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए पहली बार ब्रेल में भी वोटर की पर्चियां उपलब्ध होंगी। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। इसी तरह की और खबरों के लिए देखते रहें आप टुडेज। हमारे चैनल पर आपको सारी खबरें जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द उपलब्ध कराने की हमारी चेष्टा होती है। कृपया करके हमारे सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको तब पता चलता है जब भी हम अपने वीडियोस अपलोड करते हैं। मैं हूं अनुपम सिन्हा, ये है टुडेज और आप हमारे जागरूक दर्शक। धन्यवाद।